नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पपाया का देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे बोटेनिकल नेम जो है कैरिका पपाया है, फैमिली कैरिकेसी। ओरिजिन जो है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका है। और एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो है पपाइन प्रेजेंट इन फ्रूट स्टेम एंड लिप्स। इंट्रोड्यूस्ड जो है 16th century में किया गया है इसका, और कल्टिवेटेड किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरल बायोलॉजी है। ये डायोसियस होता है और हार्मोफ्रोडाइट वैरायटी, ये दोनों होते हैं ना, या तो डायोसियस या हार्मोफ्रोडाइट। मेल ट्रीज जो है फ्लावर अर्लियर, मेल जो ट्रीज होते हैं उसमें फ्लावर जो है पेंडुलस हैंगिंग इन्फ्लोरेसेंस विद ब्रांच स्टॉक, मतलब वो लटकते हुए दिखते हैं, है ना। इसके अलावा है हार्मोफ्रोडाइट जो है सेल्फ पोलिनेशन होता है, हार्मोफ्रोडाइट सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसके अलावा है डायोसियस जो वैरायटी है वो क्रॉस पोलिनेशन होती है, जिसके लिए हमें 20:1 का रेशियो मेंटेन करना होता है, फीमेल रेशियो। ओके, इसके अलावा है फ्रूट्स जो हैं बेरीज के नाम से जाने जाते हैं, बियरिंग स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12 months, और फ्रूट जो है मैच्योर हो जाते हैं 5 से 9 महीने के बीच में। ओके, फ्रूट ग्रीन येलो और रेड ऑरेंज होते हैं। इसके अलावा है फ्लेश जो है येलो ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सीड जो है इनकेस्ड होते हैं, मतलब वो जिलेटेनियस इन्वेलप में, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है, जिलेटेनियस सब्सटेंस है उस पर ये इन्वेलप होते हैं। इसके अलावा है ब्लैक कलर का सीड होता है, लाइट वेइंग होता है, 1000 सीड जो है 14.5 ग्राम का होता है। नाउ वेराइटीज, इसमें दो वेराइटी है, एक तो गाइनोडायोसियस वेराइटी है, एक तो डायोसियस वेराइटी है। गाइनोडायोसियस है पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टिक CO3 CO7, और डायोसियस वेराइटी है पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ CO1 CO2 CO4 CO5 CO6, ये डायोसियस वेराइटी है, मतलब क्रॉस पोलिनेटेड। ओके ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट जो है अप टू 1000 meters अबव सी लेवल जो है वो इफिशियंट है, और 38 to 42 degrees Celsius डज नॉट टॉलरेट बिलो 10 degrees Celsius। ओके, ऑप्टिमम है इसका यहाँ पे 30 होना चाहिए दोस्तों, 30 to 42 degrees Celsius। सेंसिटिव टू फ्रोस्ट, हैवी रेन एंड वाटर स्टैग्नेशन से ये बहुत ही सेंसिटिव है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे पीएच जो है 6.5 to 7, वेल ड्रेन्ड सैंडी लॉयम सॉइल इज सुटेबल है होता है। इसके अलावा प्रोपोगेशन देखते हैं दोस्तों, कमर्शली तो सीड से होता है, लेकिन हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप मोर सेग्रीगेशन होता है। सेल्फ फ्रूट फ्रॉम गाइनोडायोसियस वैरायटी आर प्रीफर्ड फॉर सीड कलेक्शन एंड सोविंग, जो है सेल्फ फ्रूट्स जो है गाइनोडायोसियस वैरायटी जो है प्रीफर किया जाता है सीड कलेक्शन के लिए। और ये भी देखा गया है दोस्तों, ये कटिंग से और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग आर आल्सो सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल रहे हैं, बट पैच बडिंग एंटी बडिंग सक्सेस रेट इज़ वेरी पुअर। ओके दोस्तों, ये देखिए नेक्स्ट है सीड कलेक्शन एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइड, सीड कलेक्शन एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग। नेक्स्ट है फ्रेशली हार्वेस्टेड पपाया सीड जो है ड्राइड एट रूम टेम्परेचर पे ड्राई करना चाहिए दोस्तों, टेम्परेचर फॉर 5 days तक। ओके, लॉन्गर सन ड्राइंग रिड्यूस वेबिलिटी, उसकी वेबिलिटी को लॉन्गर सन ड्राइंग अगर अपन करते हैं तो वो उसकी वेबिलिटी को कम कर देती है, क्योंकि वो नॉन कैल्सी ट्रेंट सीड्स होते हैं एंड दे आर ड्राइड, का कितना ड्राई करना चाहिए दोस्तों, 9 to 12% मॉइस्चर कंटेंट तक। इसके अलावा सीड ग्रेडिंग, BSS 6 wire जो है यूज़ किया जाता है ग्रेडिंग के लिए। ओके, लार्ज एंड मीडियम साइज सीड्स हैव बेटर वायबिलिटी देन स्मॉलर एंड अनग्रेडेड वंस। ओके, लार्जर और मीडियम ग्रेडेड साइज सीड्स जो है अच्छे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं सीड डॉर्मेंसी, सीड एक्सिबिट डॉर्मेंसी अप टू पीरियड ऑफ 35 days, जो डॉर्मेंसी कब तक एक्सिबिट करती है, अप टू पीरियड ऑफ 35 days। सीड जर्मिनेबिलिटी इम्प्रूव्स विथ अ शॉर्ट रेंज ऑफ स्टोरेज, शॉर्ट रेंज स्टोरेज पर इसकी वेबिलिटी शो करती है। सीड डॉर्मेंसी इज मोर वेराइटी इन मोर सीड डॉर्मेंसी जो है ज़्यादा है किसमें, CO4 में 93%, CO5 में 91%, CO7 ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी सीड डॉर्मेंसी इस परसेंट पर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सीड जर्मिनेशन, जो फैक्टर इस इन्फ्लुएंस करता है सीड जर्मिनेशन के लिए वो है सार्कोटेस्टा, स्लोअर जर्मिनेशन के लिए होता है टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम 35 degrees Celsius, बिलो 23 degrees एंड अबव 44 degrees Celsius आर डेट्रीमेंटल, ये क्या होते हैं, डेट्रीमेंटल होते हैं। ओके, केमिकल एंड ग्रोथ सब्सटेंस, केमिकल एंड ग्रोथ सब्सटेंस जो है सोकिंग अगर करते हैं KNO3 में 0.1 एंड GA जिब्रेलिक एसिड 600 ppm, या थायो यूरिया इन लेस कंसनट्रेशन इम्प्रूव करती है उसकी जर्मिनेशन को। सॉइल सेलिनिटी, सॉइल सेलिनिटी क्या है, हाई साल्ट कंसनट्रेशन इन सॉइल अफेक्ट जर्मिनेशन, अगर सेलिनेशन ज़्यादा है
सॉइल में, तो वो क्या है अफेक्ट करती है उसके जर्मिनेशन को। इसके अलावा है सीड स्टोरेज, सीड जो है डिटेरियोरेट ख़राब होता है हाई स्टोरेज टेम्परेचर और RH पर, हाई RH पे और हाई स्टोरेज टेम्परेचर पे। ओके सेड सीड मेंटेन्स वाइबिलिटी फॉर 3 मंथ अंडर एम्बियन टेम्परेचर, एम्बियन टेम्परेचर पे 3 महीने तक वाइबिलिटी रहती है दोस्तों। इसके अलावा है सीड जो है स्टोर करना होता है सीड स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे गिव हायर जर्मिनेशन देन स्टोर्ड इन अ डेसिकेटर और रेफ्रिजरेटर, है ना। अगर अपन जो है रूम पर रूम टेम्परेचर पे अगर अपन इसे रखें तो ये ज़्यादा हायर जर्मिनेशन होता है देन डेसिकेटर और रेफ्रिजरेटर पे। ओके दोस्तों प्लांटिंग जो है प्लांटिंग के पहले अपने को खुदाई करनी चाहिए। ये स्पेसिंग है दोस्तों 45x45x45 सेंटीमीटर। ओके और इसकी जो स्पेसिंग जो है 1.8x1.8। ओके नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है 200 से 250 ग्राम ईच नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। ओके इसके अलावा इरिगेशन, ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों वीड, डीप होइंग करना चाहिए अपने को, या फिर फ्लू क्लोरालिन है, एला क्लोरोलिन है, बूटा क्लोरोलिन है 20 ग्राम पर हेक्टेयर इज एस प्री इमरजेंस। ओके 2 मंथ ट्रांसप्लांटिंग इज रिकमेंडेड। ओके 2 मंथ ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, जब 2 मंथ का हो जाए प्लांट तभी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ओके और यहाँ पे हमने बता ही दिया है कि क्या क्या एप्लीकेशन करना चाहिए, फ्लू क्लोरालिन, एला क्लोरिन एंड बूटा क्लोरालिन 20 ग्राम पर हेक्टेयर एस प्री इमरजेंस। ओके इंटरकल्चर की बात करें हम अगर, रिमूविंग अनवांटेड मेल प्लांट 10% मेल प्लांट नेसेसरी फॉर गुड पोलिनेशन। ओके 10% ही जरूरत होती है। इंटरक्रॉपिंग विथ लेगुमिनस क्रॉप फॉलोड बाय नॉन लेगुमिनस क्रॉप इज फाउंड बेनिफिशियल टिल पपाया कम्स टू बियरिंग, पहले लेगुमिनस का उपयोग करें फिर उसके बाद नॉन लेगुमिनस का। ओके प्लांट प्रोटेक्शन मेथड, पेस्ट में यहाँ पे आते हैं एफिड्स और वाइट फ्लाइज के मेजर हैं, डिसेस जो है फुट रोट और स्टेम रोट, इसका जो कि पीथियम या राइजोक्टिनियम स्पीसीज से होता है, इसके लिए अपन बोडेक्स मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, पाउडरी मिल्डियो जो कि अगर हम स्प्रे करें वेटेबल सर्फर का तो अपन इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा लीफ स्पॉट अगर हो जाए तो 1% बोडेक्स मिक्सचर अपन यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हार्वेस्टिंग कब करें, हार्वेस्टिंग जो है फ्रूट आर हार्वेस्टेड दे आर फुल साइज, जब फुल साइज की हो जाए स्टिल ग्रीन ही रहे विथ येलो टिंच, येलो कलर के जो है टिंच पड़ जाए, है ना। लेटेक्स सीज टू बी मिल्की, उसका लेटेक्स जो है बंद हो जाए और वो लेटेक्स जो मिल्की कलर का है वो बंद हो जाए और वो क्या हो जाए वाटरी हो जाए, तब हमें उसे हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए। यील्ड क्या है, एवरेज देखा गया है 60 से 75 टन पर हेक्टेयर ऑफ फ्रूट इज ऑब्टेंड, ये 60 से 75 टन पर हेक्टेयर जो है फ्रूट ऑब्टेंड होता है 1 हेक्टेयर में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।